नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मुंबई से शिरडी आप किस तरह से आ सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो मुंबई में रहते हैं और वो चाहते हैं कि बाबा के दर्शन करें, लेकिन वह उन्हें ये नहीं मालूम है कि वो किस तरह से मुंबई से शिरडी पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर, और सारी चीज़ मैं आज क्लियर करूँगा कि आप बाबा के दर्शन करने के लिए अगर आप मुंबई से आना चाहते हैं तो किस तरह से आएंगे। आपके पास आने के लिए तीन रास्ते हैं, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, या आप अपनी कार से आना चाहते हैं गाड़ी से, या फिर आप बाइक से आना चाहते हैं और बाय फ्लाइट आना चाहते हैं। तो इन चारों रास्तों में से ही हम आपको बताएंगे कि आपको कहां से आना है। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है मित्रों, और इस वीडियो में मैं आपको एक वो चीज़ भी बताऊँगा जो आपको शिरडी में पहुँचने के बाद बिल्कुल नहीं करनी है, और वो बात भी बताऊंगा जो आपको शिरडी में जाकर जरूर करनी है। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। अगर आप सबसे पहली हम बात करेंगे कि अगर आप मुंबई से ट्रेन से आना चाहते हैं, तो ट्रेन से आने के लिए आपको दादर रेलवे स्टेशन जाना होगा। दादर रेलवे स्टेशन से साई नगरी एक्सप्रेस 12131 जिसका नंबर है वो चलती है रात को 11:55 पर, और वो लगभग आपको सुबह 9 बजे शिरडी साई नगरी रेलवे स्टेशन जंक्शन पर आपको वो छोड़ देगी। आपका जो रास्ते में लगभग 6 घंटे का समय लगता है, 6 घंटे में आप लोग शिरडी पहुंच जाएंगे। अब अगर आप बस आना चाहते हैं, तब आपको बोरीवली पहुंचना होगा। बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे आप पहुँचेंगे, तो वहीं बहुत सारे टैक्सी वाले होते हैं जिनसे आप कहेंगे कि हमें शिरडी जाने वाली बस स्टैंड तक छोड़ दो, तो वो आपसे लगभग 100 से 200 रुपए भी ले सकते हैं अमूमन। लेकिन आप वहाँ वो पैसे ना दें, क्योंकि बोरीवली रेलवे स्टेशन को जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा आगे जाने के बाद करीब आधा किलोमीटर का दूरी होगी, वहीं पर शिरडी के लिए आपको रात को 2 बजे गाड़ी मिलती है। वो सीधी आपको सुबह 8-8:30 बजे तक शिरडी आपको छोड़ देगी। मुंबई से शिरडी की जो दूरी है वो 280 किलोमीटर के लगभग है, और जो बाय बस अगर आप आएंगे या अपनी गाड़ी से भी आना चाहते हैं, तो सबसे जो आपके लिए सुटेबल और सबसे सही रास्ता है, रूट है आने के लिए, वो है NH 160 जो रास्ता है, जो आपको नासिक रोड है, ठाणा नासिक होते हुए वो आपको शिरडी छोड़ देगा। आप उस रास्ते से आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप शिरडी पहुंचेंगे, तो शिरडी पहुंचने के बाद आपको वो क्या काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, और वो भी बताऊंगा जो आपको करना है। सबसे पहले जब आप शिरडी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे और उतरेंगे, तो वहां आपको ऑटो मिलेगा जो समाधि मंदिर जाने के लिए सवारियों को लेकर जाते हैं, और आपसे कहेगा, वो आपसे किराया लगभग 80 रुपये पर पैसेंजर मांगता है, एक सवारी का 80 रुपये, लेकिन आपको वो नहीं देना है। अगर आपके पास पैसे अधिक हैं और आप पैदल नहीं चलना चाहते, तो बेशक दे दीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रेलवे स्टेशन से शिरडी का जो स्टेशन है, वहाँ से साई मंदिर की जो दूरी है वो महज 1.5 किलोमीटर है, और आप बड़े आराम से टहलते टहलते पैदल भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप जैसे आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप शिरडी में एंट्री करेंगे, आपको चारों ओर से एजेंट मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि हम आपको रूम दिलाएंगे, होटल में कमरा दिलाएंगे। तो मित्रों, शिरडी में कमरों की कोई कमी नहीं है, आप स्वयं जाएं, लगभग 6,500 होटल हैं, क्योंकि शिरडी में हर किसी ने अपने घर को जो है एक होटल ही बना रखा है। तो आप एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि एजेंट का 20% का कमीशन होता है आपके टोटल फेयर में, जितना आपका किराया बनेगा, रेंट होगा उसका रूम का, उसमें 20-25% तक उसकी जो कमीशन होती है। आप खुद अगर जाएंगे तब आपको वो कमरा और भी सस्ते में मिल जाएगा। खंडोबा मंदिर के पास जैसे ही आप पीछे जाएंगे, तो वहाँ भी एक होटल है, बड़े सस्ते रेटों में आपको कमरा मिलता है। इसके बाद आप कमरा अपने आप ले लें, एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। फिर वहाँ खाना महंगा है, खाने के लिए आपको मैं बता दूं कि जब पहली बार हम गए थे तो हमें नहीं पता था, लेकिन अब बाबा की रसोई में प्रतिदिन लंगर चलता है, जहां सुबह 8 बजे नाश्ता दिया जाता है और 11:30 बजे के बाद वहां खाना दिया जाता है।
वहाँ आपको 10 रुपये में भर पेट थाली मिलती है और 50 रुपये में आपको एक 5-स्टार होटल के जैसा लग्जरी खाना मिलता है अगर आप वहाँ खाना चाहें। और एक लाइन लगती है जो बिल्कुल 1 या 1.5 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलता है। और एक चीज़ और, जब आप खाना खाएं तो जो खाना बांटा जाता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन में जो बाबा की रसोई है, वहाँ सिर्फ 2 ही बार भोजन दिया जाता है। पहली बार में आएगा और उसके बाद दूसरी बार आएगा। आपको जितना खाना है दूसरी बार में अपना पर्याप्त भोजन ले लें। तीसरी बार वहाँ भोजन का वितरण नहीं होता है। एक बार के खाने में एक पंगत को जो खाती है उसमें एक शिफ्ट में 2 ही बार खाना जो है बांटा जाता है। तो वहाँ आपको बहुत ही 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा, इसलिए आप होटलों पर जाकर अपनी जेब को ना कटवाएं। और खंडोबा मंदिर के जस्ट आप बगल में जाएंगे, थोड़ा सा पीछे, वहाँ एक और भंडारा चलता है बाबा का, वो बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ एक भी कुछ भी नहीं लिया जाता है। और समाधि मंदिर के अंदर आपको 1 रुपये में चाय मिलेगी, 1.5 रुपये में दूध का गिलास मिलेगा, बशर्ते कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जानकारी मैंने आपको दे दी। अब आप जब बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा कि हर जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ आपने देखा होगा कि जो दुकान वाले होते हैं, जो प्रसाद वाले होते हैं, वो नए व्यक्ति को कुछ भी ठग विद्या बता देते हैं कि आपको ये लेना है, आपको वो लेना है। हम जो पहली बार गए थे तो हमें लगभग 1100 रुपये का प्रसाद उसने बनाकर दे दिया था, जबकि वास्तविकता ये है कि बाबा की समाधि पर कोई प्रसाद, कोई नारियल, कोई चोला कुछ भी नहीं चढ़ता है। बाबा की समाधि पर केवल आप गुलाब का एक फूल चढ़ा सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा है कि आप बड़ी माला चढ़ा दें या एक फूल चढ़ा दें। और फिर भी यदि आप सारी चीज़ें, सारे प्रसाद चोले वगैरह भी लेना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा पर है, इसके लिए कोई मनाही भी नहीं है। लेकिन बाबा की समाधि पर बाकी सारा सामान आपको ऐसे के ही वापस आ जाएगा, सिर्फ वहाँ एक गुलाब के फूल लेकर बाबा की समाधि पर चढ़ाया जाता है। तो दुकानों पर भी उन एजेंटों का कमीशन ही होता है, तो कृपया करके प्रसाद लेते वक्त आप देख लें कि आप क्या ले रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बाबा की समाधि पर सिर्फ गुलाब का फूल चढ़ता है, जो बाहर छोटे छोटे बच्चे 10-10 रुपये में आपको बेचते हुए मिल जाएंगे। तो मित्रों, ये था आपके शिरडी का। उसके बाद आप अगर वापस जाना चाहें तो घर के लिए जो सामान लाना, ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। घूमने के लिए आपको शिरडी में क्या क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। मित्रों, जैसे ही आप साईं बाबा के समाधि मंदिर का जब आप दर्शन कर लेंगे, दर्शन करने के बाद आपको खंडोबा मंदिर जाना है। खंडोबा मंदिर वही मंदिर है जहाँ साईं बाबा पहली बार शिरडी में आए थे। फिर खंडोबा मंदिर के बाद दर्शन करने के बाद समाधि मंदिर के एरिया में जब आप बाबा के दर्शन करेंगे, समाधि मंदिर में बाबा की समाधि पे फूल चढ़ा के आने के बाद वापस आएंगे, तो उसी परिसर में आपको बाबा का एक म्यूज़ियम भी है, जिस म्यूज़ियम को आपको देखना है। पहली बार में हम नहीं देख पाए थे परंतु दूसरी बार में हमने उसको देखा। तो उस म्यूज़ियम में बाबा के सारे वस्त्र हैं, बाबा के सारा सामान है, पूरा एक जो बाबा के जीवन से जुड़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। बाबा की खड़ाऊँ, बाबा के वस्त्र, बाबा से जो उनके पात्र होते थे भिक्षा मांगने के, वो मतलब अन्य सारी चीज़ें बाबा की जुड़ी हुई जीवन से जो है वो वहाँ म्यूज़ियम में लगा रखी हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। बराबर में ही आपका स्टॉल है बुक का, जहाँ से आप साई सच्चरित्र की पुस्तक किसी भी भाषा में आप परचेज कर सकते हैं, या बाबा का जो अदर स्टेशनरी है वो आप ले सकते हैं। उसी समाधि में, बाबा की समाधि मंदिर के जस्ट बराबर से वो 2 कुएँ हैं, जहाँ जिन कुओं को से बाबा पानी लेकर अपनी बगिया को सींचते थे, आज उस जगह पर साईं मंदिर है जहाँ पर बाबा बगिया लगाते थे, उन कुओं के आप दर्शन कीजिए। और कहते हैं कि उसका जल को भी ले जाते हैं, पीने योग्य तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो जल बहुत ही लाभकारी होता है रोगों में और कष्टों को मिटाने में, तो आप चाहें तो उसको ले जा सकते हैं, लेकिन कुओं की जो गहराई बहुत ज़्यादा है, इसलिए सावधानी के साथ ही आप रहें। और उसमें पैसे लोग डालते हैं, जो पैसे ऊपर ही पत्तों में, जो काई में उग जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ से एक सिक्का उठाकर अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं। उसके दर्शन के बाद एक महत्वपूर्ण जगह है जिसके आपको ज़रूर दर्शन करने हैं, वो है गुरु स्थान। गुरु स्थान वही है जो साईं बाबा के गुरु का स्थान था, जिस जगह पर बाबा ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी, और आज भी उस जमीन पेड़ के नीचे बाबा के गुरु का स्थान है। तो गुरु स्थान की परिक्रमा करते हुए कहते हैं जो उसकी परिक्रमा करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरु स्थान के दर्शन के बाद
फिर आप बाबा के उस नीम के पेड़ के दर्शन भी जरूर करना, जिस नीम के पेड़ के नीचे बाल रूप में बाबा सर्वप्रथम प्रकट हुए थे। कहते हैं कि उस नीम के जो पत्ते हैं वो आज भी मीठे हैं, परंतु लोग उसके पत्तों को बहुत ज़्यादा तोड़ते थे, झाड़ते थे, इसलिए अब संस्थान ने क्या किया है कि उसके जो पत्ते हैं नीम के नीचे पूरी तरह से उसको जाल से कवर कर दिया गया है, ताकि नीम कोई भी उसके पत्तों को तोड़ ना सके, और जो एक दो पत्ते सूख कर नीचे गिर जाते हैं वही वक्त लोग उठा सकते हैं। नीम पेड़ के नीचे जो भी कोई शुक्रवार के दिन धूप जलाता है, अगरबत्ती जलाता है या दिया जलाता है, तो कहते हैं कि बाबा उसकी मनोकामना बड़ी जल्दी पूर्ण करते हैं। तो यदि आप वहाँ दीप जलाना चाहते हैं, धूप जलाना चाहते हैं, तो आप नीम के पेड़ के नीचे धूप भी जरूर जलाएं। उसके बाद अन्य घूमने वाले स्थान है बाबा की द्वारिका माई। द्वारिका माई वह स्थान है जहाँ पर बाबा रात को एक दिन रुकते थे, और द्वारिका माई से जैसे ही दर्शन करके आप निकलेंगे, उसके ठीक सामने पंचमुखी भगवान का दक्षिण रूपी बालाजी का मंदिर है, जो हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं जब द्वारिका माई से साईं बाबा निकलते थे तो बालाजी को हाथ हिलाकर इस तरह से कुछ कहते थे और कुछ आपस में उनकी वार्ता होती थी, फिर वो आगे निकल जाते थे। तो आप उस मंदिर के भी दर्शन करें, और उसके जस्ट बराबर से ही 10 कदम की दूरी पर आपको श्री चावड़ी मिलेगी। आप चावड़ी के दर्शन भी जरूर करना। चावड़ी में बाबा एक दिन द्वारका माई और एक दिन चावड़ी में रुकते थे। चावड़ी के दर्शन के बाद चावड़ी से ठीक सामने अब्दुल बाबा की कुटिया है, जहाँ अब्दुल बाबा रहा करते थे। तो मित्रों, अब्दुल बाबा की कुटिया के दर्शन भी जरूर करना। अब अब्दुल बाबा की मज़ार का और अब्दुल बाबा की कुटिया की जो देख रेख करते हैं वो उनके परिवार के लोग ही करते हैं, अब्दुल बाबा के परिवार के लोग करते हैं, ना कि संस्थान करता है। बाकी पूरा शिरडी जो का जो बाबा से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनको संस्थान ही देखता है। अब्दुल बाबा के दर्शन करने के बाद फिर आप उसी परिधि में बने हुए जिसमें रोहिला बाबा के भक्त थे उनकी समाधि है, और अन्य लोगों की समाधियां भी उसी जगह पर बनी हुई हैं, आप उनके दर्शन भी कीजिएगा। फिर आप निकल जाना शिरडी के घूमने के लिए, शिरडी में अन्य चीज़ों के दर्शन करने के लिए, जिसमें आपको मैं बता चुका हूँ खंडोबा मंदिर आपको जाना है, जो कि आपको शिरडी के एक दूसरे छोर पर मिलेगा, वहाँ से समाधि मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ जाइए, श्यामा जी का घर बाबा की द्वारिका माई से ठीक सामने की ओर जब ऊपर चलेंगे, ऊपर चलकर आपको श्यामा जी का घर मिलेगा। श्यामा जी बाबा के भक्तों में थे, और वहीं पर वाइजा माँ का घर भी, थोड़ा सा आप जब घूमेंगे तो तात्या पोते पाटिल का घर भी है, वो घर आज भी वैसे ही बना रखा है। वहीं पर आपको वाइजा माँ का घर मिलेगा। वाइजा माँ के घर के थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको लक्ष्मी जी का घर मिलेगा, वह लक्ष्मी जिसको बाबा ने अंतिम समय पर 9 सिक्के दिए थे, और आज भी वो 9 सिक्के, कहते हैं वो 9 ओरिजिनल सिक्के तो संस्थान के पास है, परंतु उनका एक प्रतीक रूप आज भी लक्ष्मी जी के घर पर है, और लक्ष्मी जी की गोद में रखा हुआ उसका चित्र आप देख सकते हैं, और उनकी एक समाधि बना रखी है उनके घर के आगे ही, और लक्ष्मी जी के घर के पास में ही एक कुआ है जहाँ से वो पानी भरा करते थे और बाबा अक्सर वहाँ आया करते थे। द्वारका माई के ठीक बिल्कुल सामने आपको एक और घर दिखाई देगा, उन भक्त का मित्रों में थोड़ा सा नाम नहीं आ रहा दिमाग में, वो वही थे जिनके घर से बाबा सबसे पहले बाबा भिक्षा उन्हीं के घर से मांगा करते थे। आज वो पुराने घर तो नहीं हैं, लेकिन आज भी वहाँ बड़े बड़े होटल बन गए हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जो आपको आज भी पुराने रूप में ही दिखाई देंगे, जैसे बाइजा माँ का घर, तात्या कोटे पाटिल का घर आज भी वैसा ही है, श्यामा जी का घर आज भी बिल्कुल वैसा ही है, और अब्दुल बाबा की कुटिया वो भी बिल्कुल वैसे ही है, और एक बहुत परम भक्त रह गए उनके भी घर के दर्शन आप जरूर कीजिएगा, वो है भक्त महालसापति। महालसापति खंडोबा मंदिर के पुजारी थे, और उनका घर भी बाबा की द्वारिका माई से थोड़ी ही दूरी पर है। तो मित्रों, ये सब चीज़ें हैं, जब भी आप शिरडी जाएँ तो इनके दर्शन जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते रहिए, मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ आने भक्तों की सहायता के लिए, और मेरी इसी चैनल पर मैं साइंस चतुर्थ का पूरा अध्याय बार आपको विवरण कर वाचन करके सुना रहा हूँ, तो आप उन सभी वीडियोज़ को देखिएगा।